हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड परसेंटेज कंपोजिशन। होता क्या है, हमारा CSIR में, DBT में, ICMR में क्वेश्चन डायरेक्ट मोलैलिटी से नहीं आता। या तो हमें परसेंटेज गिवन होती है वेट बाय वेट में, वेट बाय वॉल्यूम में, वॉल्यूम बाय वेट में, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में, एंड हमें मोलैलिटी या मोलैलिटी फाइंड करना होता है, या हमें मोलैलिटी का कुछ गिवन होता है हमें मोलैलिटी फाइंड करना होता है, या मोलैलिटी गिवन होता है हमें मोलैलिटी फाइंड करना होता है। सो हम इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कैसे हम एक दूसरे में कन्वर्जन कर सकते हैं उसको समझेंगे। ये DBT GRF के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड CSIR और ICMR के लिए भी, क्योंकि मोलैलिटी मोलैलिटी ये सब कॉन्सेप्ट जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि आगे PhD में, लेबॉर्टी में बहुत ज़्यादा काम आने वाला कॉन्सेप्ट है ये। सो ध्यान से समझिए इस वीडियो को, कॉन्सेप्ट को। हमारा कोई भी सॉल्यूशन है, ये बात तो आपको ध्यान होगी ही कि कोई भी सॉल्यूशन है, मतलब वो किससे बना है, वो हमारा सॉल्वेंट से बना है एंड वो हमारा सॉल्यूट से बना है। सॉल्यूट मिक्स हुआ है सॉल्वेंट में, हमारा सॉल्यूशन बना है। उस सॉल्यूशन का जो हमारा कंसंट्रेशन है वो हम किस किस वे में मेजर कर सकते हैं। लेबॉर्टी में मेनली हम इन 3 वे से मेजर करते हैं, मोलैलिटी एंड परसेंटेज कंपोजिशन। ये हमारे 3 वे होते हैं जिससे हम अपना किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं इन 3 वे से। अब इन 3 वे ये क्या क्या हैं और कैसे हम इन तीनों को आपस में एक दूसरे से कन्वर्ट कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। सो मोलैरिटी के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक फुल वीडियो लिया है, मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी का डाइल्यूशन, ये सब मैंने ऑलरेडी एक वीडियो लिया है। सो इफ आपने मोलैरिटी का वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से मोलैरिटी की वीडियो पे जाइए। ओके, सो मोलैरिटी क्या होती है, कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है पर लीटर सॉल्यूशन में, कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है पर लीटर सॉल्यूशन में, दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी हमारी होती है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मतलब कितना हमारा वेट है, कितना हमने वे किया है और कितना हमारा मॉलिकुलर वेट है। एंड इफ हम अपने सॉल्यूशन को मिलीलीटर में ले रहे हैं तो हमारा ये आ गया हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला। ओके, मोलैरिटी होती है कितना हमारे मोल्स प्रेजेंट है पर लीटर सॉल्यूशन में। अब आता है हमारा मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। मोलैलिटी होती है हमारी कितने मोल्स हमारे प्रेजेंट है पर किलोग्राम सॉल्वेंट में। मोलैरिटी में और मोलैलिटी में सबसे मेन डिफरेंस है कि यहाँ पे हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, मतलब हमारा कितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है पर किलोग्राम सॉल्वेंट में, वो होती है हमारी मोलैलिटी। मोलैलिटी हमेशा हम सॉल्वेंट से कंपेयर करते हैं, सॉल्वेंट के बेस पे निकालते हैं, और मोलैलिटी को हम सॉल्यूशन के बेस पे निकालते हैं। ओके, तो मोलैलिटी जो है, तो जो मोलैलिटी है उसका फॉर्मूला होता है हमारा वही वेट, क्योंकि मोल्स तो वही है, मोल्स का फॉर्मूला तो यही है, मल्टीप्लाई 1000 और हमारा सॉल्वेंट हमारा ग्राम में, सॉल्वेंट हमारा ग्राम में, दैट इज मोलैलिटी, कितने मोल्स प्रेजेंट हैं पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, कितने मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के सॉल्वेंट में, दैट इज मोलैलिटी, और कितने मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के हमारा सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूशन में पर लीटर सॉल्यूशन में, दैट इज मोलैलिटी। ओके, थर्ड आता है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन की फॉर्म में भी हम अपने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन क्या हुआ, परसेंटेज कंपोजिशन हमारा वेट बाय वेट भी हो सकता है, वेट बाय वॉल्यूम भी हो सकता है, वॉल्यूम बाय वेट भी हो सकता है और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी हो सकता है।
का मतलब क्या है, वेट बाय वेट परसेंट कंपोजिशन हमारा 2% है सोडियम क्लोराइड का. इट मींस हमारा 2 ग्राम सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है, 2 ग्राम सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है हमारा 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, क्योंकि दोनों ही वेट में होने चाहिए, सॉल्यूट भी और सॉल्यूशन भी. तो हमारे वेट मतलब ग्राम में, किलोग्राम में, ओके. वॉल्यूम मतलब लीटर में, मिलीलीटर में. तो वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है कि हमारा 2 ग्राम NaCl, 2 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में. मींस हमारा 2 ग्राम NaCl है और हमारा 98 ग्राम सॉल्वेंट है, 98 ग्राम सॉल्वेंट है. फिर से समझना, 2 ग्राम NaCl है और टोटल सॉल्यूशन है 100 ग्राम का. इट मींस 98 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट है, ओके. वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम मतलब वेट बाय वॉल्यूम 2% सोडियम क्लोराइड का मतलब हमारा 2 ग्राम सोडियम क्लोराइड है 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में. 2 ग्राम हमने डिसॉल्व किया है हमारा 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, 2 ग्राम हमारा प्रेजेंट है 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, ओके. वॉल्यूम बाय वेट का मतलब है हमारा, इफ हमारा 2% HCl है, इट मींस 2 मिलीलीटर HCl है हमारा, 2 मिलीलीटर HCl है हमारा 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 2 मिलीलीटर HCl है. और इफ हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब है हमारा 2 मिलीलीटर HCl है 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में. तो ये होता है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन. वेट बाय वेट भी हो सकता है, वेट बाय वॉल्यूम भी हो सकता है, वेट बाय वॉल्यूम बाय वेट भी हो सकता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी हो सकता है. वो वहाँ गिवन होगा तो उससे हम समझ जाएंगे कि इफ हमें गिवन है कि 28% सोडियम क्लोराइड है वेट बाय वेट, तो इससे हम समझ जाएंगे कि इनके कहने का मतलब है 28 ग्राम सोडियम क्लोराइड है हमारा 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ओके. तो हमारा इस फॉर्म में भी कंसंट्रेशन प्रेजेंट हो सकती है. कोई भी हमें क्वेश्चन दिया होगा उसमें या तो हमारी कंसंट्रेशन मोलैरिटी की फॉर्म में होगी, या मोलैरिटी की फॉर्म में होगी, या परसेंटेज कंपोजिशन की फॉर्म में होगी. अब हमें क्वेश्चन क्या गिवन होता है, हमें इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्म गिवन होगी और बोलेंगे कि इतना परसेंटेज कंपोजिशन है, अब इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी बताइए. इतना परसेंटेज कंपोजिशन है, इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी बताइए, या सॉल्यूशन का मोलैरिटी गिवन होगा, मोलैरिटी निकालने को बोला जाएगा. तो ये हमारे क्वेश्चन आते हैं. अब कैसे सॉल्व करते हैं, इनको कैसे आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं. एक है हमारा मोलैरिटी, एक है हमारा मोलैलिटी, एक है हमारा परसेंटेज. परसेंटेज में हमारा वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. ये आपको समझा दिया है क्या होता है. स्टार्टिंग का है हमारा सॉल्यूट, इतने वेट सॉल्यूट होगा, इतने वेट 100 ग्राम सॉल्यूशन में. बाद का है हमारा सॉल्यूशन और फर्स्ट का है हमारा सॉल्यूट, ओके. अब मोलैरिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट करना है, मोलैलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है, कैपिटल एम को स्मॉल एम में कन्वर्ट करना है और स्मॉल एम को कैपिटल एम में कन्वर्ट करना है. तो इसको कन्वर्ट करने का वन एंड ओनली सॉल्यूशन है हमारा डेंसिटी. अब आप बोलेंगे क्यों, मीन्स इफ हमें मोलैलिटी गिवन है और हमें मोलैलिटी में कन्वर्ट करना है तो हमें डेंसिटी जरूर गिवन होगा. क्यों, क्योंकि आप खुद सोचिए, मोलैलिटी में हम ले रहे हैं वॉल्यूम, मोलैलिटी में हम ले रहे हैं मास, ओके. मोल सेम है, हम मोलैलिटी में लेते हैं इतने मोल्स प्रेजेंट हैं इतने वॉल्यूम में, और मोलैलिटी में लेते हैं इतने मोल्स प्रेजेंट हैं इतने मास में, ओके. तो मीन्स हमारा, हमें वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना है. और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो मीन्स हमें डेंसिटी गिवन होगी तो हम मास को पुट करेंगे, हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम को पुट करेंगे मास आ जाएगा. तो इफ हमें ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें डेंसिटी ऑलवेज गिवन होगी, डेंसिटी ऑलवेज गिवन होगी. इस चीज को माइंड में रख लीजिए और इजिली हम सॉल्व कर सकते हैं. तो फर्स्ट हम यही देखते हैं कि हम मोलैरिटी को मोलैलिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. ये हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें बोला है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो 3 मोलर सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, 3 मोलर सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, और हमें डेंसिटी गिवन है 1.12 ग्राम पर एम, हमें डेंसिटी गिवन है अपने सॉल्यूशन की, ओके.
अब क्या हमें इस मोलैरिटी को, इस मोलैरिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट करना है, मोलैरिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? सोडियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है हमारा 58.4 ग्राम। ये आपको गिवन होगा और आपको कुछ कॉमन जो हमारे कंपाउंड्स हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट पता होने चाहिए। ओके, अब क्या है, हमें डेंसिटी गिवन है। थ्री मोलैरिटी का मतलब क्या है, थ्री मोल्स इन वन लीटर सॉल्यूशन, थ्री मोल्स हैं वन लीटर सॉल्यूशन में। और हमें मोलैलिटी निकालना है, मोलैलिटी में क्या निकालते हैं, कितने मोल्स हैं हमारे इन वन किलोग्राम सॉल्वेंट में। तो मींस हमें किलोग्राम में आंसर चाहिए और हमारे पास लीटर में आंसर है। ओके, यहाँ पे मोल सेम है, इसमें भी मोल्स फाइंड करने हैं, इसमें भी मोल्स फाइंड करने हैं, बट इसमें मोल्स हमें किलोग्राम में फाइंड करने हैं, इसमें मोल्स हमें लीटर में फाइंड करने हैं। ओके, सो फर्स्ट हमारा डेंसिटी क्या है, डेंसिटी है हमारी 1.12 इजिकल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये डेंसिटी है हमारी सॉल्यूशन की, तो हमारा 1.12 आ गया। मास हमें निकालना है, वॉल्यूम हमें गिवन है। वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर। वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर। 1 लीटर को इफ हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमारी डेंसिटी भी मिलीलीटर में है, तो हम 1000 लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा मास है, ये जो हमारा एक्स है, मास है, मास आ जाएगा हमारा 1120 ग्राम। ये हमारा आ गया मास। इट मींस 1 लीटर सॉल्यूशन का मास कितना है, ये हमारा किसका मास आया है, फुल सॉल्यूशन का मास आया है, फुल सॉल्यूशन का मास आया है। और हमें मास किसका चाहिए, सॉल्वेंट का मास चाहिए, हमें किसका मास चाहिए, सॉल्वेंट का मास चाहिए, और हमारे पास आया है फुल सॉल्यूशन का। तो इफ इसमें से हम सॉल्यूट को माइनस कर दें तो हमारे पास सॉल्वेंट का मास आ जाएगा और हम इजिली फाइंड कर सकते हैं, इजिली फाइंड कर सकते हैं। अब हमारा क्या मास है सॉल्यूट का, क्या मास है सॉल्यूट का, हमें सॉल्यूट का मोल गिवन है, हमें सॉल्यूट की मोलैरिटी गिवन है, 3 मोलर। मोल्स का फॉर्मूला होता है मास। मॉलिकुलर वेट कितना है, मॉलिकुलर वेट है 58.4। मास हमारा आ जाएगा इसका 3 × 58.4 175 आ गया हमारा मास सॉल्यूट का, सॉल्यूट का मास आ गया है। हमारे पास सॉल्यूशन का मास है, सॉल्यूट का मास है, सॉल्यूशन के मास में से इफ हम सॉल्यूट का मास को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाता है सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, दैट इज 945। तो हमारे पास सॉल्वेंट का मास आ गया है 945 ग्राम आ गया है। हमें यही तो चाहिए, हमें मोलैलिटी निकालने के लिए मास चाहिए सॉल्वेंट का, क्योंकि मोलैलिटी का फॉर्मूला याद करें तो क्या होता है, मोल्स इन पर केजी सॉल्वेंट, मोल्स इन पर किलोग्राम सॉल्वेंट। अब यहाँ से हम बहुत इजीली मोलैलिटी फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला क्या होगा, हमारा वेट क्या है सॉल्यूट का, सॉल्यूट का वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है सॉल्यूट का, मल्टीप्लाई 1000 और हमारा सॉल्वेंट का मास ग्राम में। तो वही हुआ, वेट क्या है हमारा, वेट है हमारा, हमने फाइंड किया था 175, वेट है हमारा 175 सॉल्यूट का, मॉलिकुलर वेट है हमारा इसका 58.4 मल्टीप्लाई 1000 और सॉल्वेंट का अभी हमारा वेट आया है 945। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.17 मोलैलिटी। तो मीन्स हमारा कंसंट्रेशन मोलैलिटी की फॉर्म में 3.17 है। तो ऐसे हमने डेंसिटी की हेल्प से मोलैरिटी को मोलैलिटी में चेंज कर दिया, हमने डेंसिटी की हेल्प से मोलैरिटी को मोलैलिटी में चेंज कर दिया। मीन्स 3 मोलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है तो उसको हम मोलैलिटी की फॉर्म में देखें तो 3.17 मोलैलिटी है। तो इस तरीके से हम मोलैलिटी को मोलैलिटी में चेंज करते हैं, हमें कुछ नहीं करना है। हमारे पास डेंसिटी की वन है, डेंसिटी की से हम क्या करेंगे, मास डेंसिटी से हम वॉल्यूम पुट करके, वॉल्यूम है यहाँ पे कि 3 मोलर का मतलब क्या है, 3 मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो 1 लीटर है हमारा वॉल्यूम आ चुका है, वॉल्यूम आ गया है, उससे हम मास फाइंड कर लेंगे। पर ये मास किसका है, ये मास सॉल्यूशन का है और हमें अपने मोलैरिटी के लिए, और हमें अपने मोलैरिटी के लिए सॉल्वेंट का मास चाहिए।
इसलिए फिर हमने क्या किया, हमने इसको सॉल्यूशन के मास को माइनस किया सॉल्यूट के मास से। सॉल्यूट का मास कैसे आया, जो हमारे पास मोलैरिटी गिवन थी उसी से हमने सॉल्यूट का मास फाइंड कर लिया, माइनस कर दिया, हमारे पास सॉल्वेंट का मास आ गया है और इजीली हमने मोलैरिटी फाइंड कर ली है। तो इतना इजी क्वेश्चन आता है, मींस ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि हमें मोलैरिटी को मोलैरिटी में चेंज करना है, मोलैरिटी को मोलैरिटी में चेंज करना है। इफ इससे अपोजिट आ जाता है, हमें यहाँ पे चेंज करना होता है मोलैरिटी को मोलैरिटी में, तो इस बार भी हमें डेंसिटी गिवन होगी और इस बार हमें मास गिवन होगा और हमारे पास वॉल्यूम इजली आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। बट वो वॉल्यूम किसका होगा, वो वॉल्यूम होगा सॉल्वेंट का वॉल्यूम, क्योंकि हमने जो मास यूज किया है वो मास किसका था, वो मास था हमारा सॉल्वेंट का। तो हमारे पास सॉल्वेंट का वॉल्यूम आ जाएगा, देन हम उसमें सॉल्यूट का वॉल्यूम ऐड कर देंगे और इजीली हम अपना मोलैरिटी से मोलैरिटी कन्वर्ट कर लेंगे। तो बहुत इजी है, डेंसिटी की हेल्प से हम मोलैरिटी से मोलैरिटी, मोलैरिटी से मोलैरिटी चेंज कर सकते हैं। ओके, अब आता है परसेंटेज कंपोजिशन। इफ हमारा परसेंटेज कंपोजिशन में कोई भी क्वेश्चन गिवन हो तो कैसे हम परसेंटेज कंपोजिशन को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ हमारा परसेंटेज कंपोजिशन गिवन हो और उसको हमें मोलैरिटी में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे। इफ हमें परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है, हमें दिया है 2% सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, और 2% सोडियम क्लोराइड है हमारे पास एंड हमें इस सॉल्यूशन की हमें मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट थिंग तो ये कि 2% NaCl का मतलब है 2 ग्राम NaCl है हमारा 100 ml सॉल्यूशन में हमारा 2 ग्राम NaCl है। ओके, अब हमें मोलैरिटी फाइंड करनी है, इसको हम समझ भी सकते हैं फुल, बट बेस्ट रहेगा कि आप इसका फॉर्मूला रन कीजिए। फॉर्मूला इसका नॉर्मल है। मोलैरिटी फाइंड करने के लिए हम पहले परसेंटेज लिखेंगे जो हमें गिवन है, डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट मल्टीप्लाई बाय 10। मीन्स इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा 2, और सोडियम क्लोराइड का मॉलिकुलर वेट लिख देंगे सोडियम क्लोराइड का और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो ऐसे हम मोलैरिटी को परसेंटेज कंपोजिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और परसेंटेज कंपोजिशन को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ईजी है, हमें सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमें मोलैरिटी फाइंड करने के लिए परसेंटेज, जो भी हमारी परसेंटेज है 2, 28, 32, 10, वो सब लिखना है, उसका मॉलिक्यूलर वेट लिखना है, मल्टीप्लाई करना है 10 से। हम बहुत इजीली मोलैरिटी फाइंड कर लेंगे। तो अब हमें समझ में आ गया कि हम मोलैरिटी को मोलैरिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मोलैरिटी को परसेंटेज कंपोजिशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम बहुत ईजिली इन सब में कन्वर्जन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग DBT JRF एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।